जबलपुर के गोरखपुर थाने में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ की गई मारपीट को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और जबलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी राकेश सिंह ने नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, राकेश सिंह ने इनके विरोध में थाने के सामने धरना दिया। बता दें कि शंकर शाह वार्ड संयोजक वीरेंद्र पटेल की गाड़ी चुनाव अधिकारी ने जब्त कर ली थी। जब गाड़ी छुड़ाने के लिए वीरेंद्र पटेल थाने पहुंचे, उनका टीआई से विवाद हो गया। इस बीच टीआई ने उनकी पिटाई कर दी। राकेश सिंह ने आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस हार के डर से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। पुलिस भी कांग्रेस सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग प्रचार के आखिरी समय का सदुपयोग कर रहे थे। हमें जानकारी मिली कि पार्टी के वार्ड के एक संयोजक को गोरखपुर टीआई ने गाली दी, उसके साथ मारपीट की। जानकारी ली तो पता ये चला कि हमारे पहले बूथ के अध्यक्ष की गाड़ी उसने पकड़ी टीआई ने, और बाद में वार्ड संयोजक ने जब उससे बात की तो कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। एक घंटे बाद जब कुछ नहीं हुआ तो वार्ड संयोजक थाने आया, वीरेंद्र पटेल जो खुद वकील भी हैं, और उनने आके यहाँ पर बात की टीआई से कि आपने गाड़ी कैसे पकड़ ली। टीआई ने कहा कि हमको गाड़ी पकड़ने का अधिकार है। उसने कहा कि आपको अधिकार है तो क्या निजी वाहन पकड़ने का भी अधिकार है? और अगर अधिकार है तो लिख के दो कि आपने गाड़ी पकड़ी है और आपको ये अधिकार है। तो उसके साथ गाली गलौज की, उसको मारा और लात मार के उसको थाने से बाहर निकाला। वाहन के अधिग्रहण की बात को लेकर हुआ है, और जिनका वाहन था वो पेशे से वकील हैं, और यहाँ पर कितने लोग अभी आए हैं उनके समर्थन में, जो भी वकील साहबान लोग भी आए हैं, और आपका ये कहना है कि उनके साथ अभद्रता किया गया है, मारपीट की गई है, तो आप सभी को ये आश्वासन दिया गया है कि हमें 24 घंटे का समय दिया जाए, हम इसकी बाकायदा विधिवत जांच करेंगे, और जांच में अगर दोषी पाया जाएगा तो पूरी तरह कार्रवाई। ये उनकी सोच है, 3 बार सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। उनमें और ज़्यादा धैर्य और गंभीरता होना चाहिए। शासन किसी से बिका नहीं होता, पर शासन किसी से बिका नहीं होता। 15 साल तक लगातार 4 महापुरुष तक यही सरकार, यही अधिकारी उनके प्रशासन के तहत काम कर रहे थे। जो थानेदार सामने थाने में गोरखपुर में हैं, वो तो इन्हीं के समय पे आए थे और विधानसभा चुनाव के पहले आए थे, तो क्या वो इनसे बिके हुए थे? इस प्रकार का आरोप लगाना, एक कानून का मजाक उड़ाना, हमने तो उनको नहीं हटाया। शासन बदलने के बाद भी वो आए तो भाजपा के शासन में थे। अधिकारी अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है, और ये अपेक्षा की जाती है जनप्रतिनिधियों से कि वो सहयोग करें सबका। ये राकेश सिंह जी की सोच है, कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले